हाउसिंग बोर्ड के मकान पर 30 वर्षों से कब्जा करके बैठे एक परिवार को आज राज्य शासन के आदेश के बाद घर से हटाया गया और घर को निगम की मदद से तोड़ा गया। इस दौरान कई बार हंगामे की भी स्थिति निर्मित हुई। हाउसिंग बोर्ड ने सुकलिया क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज सुबह हाईकोर्ट के आदेश के बाद उक्त मकान पर कार्रवाई की गई, जिसमें नगर निगम ने 2 JCB की मदद से मकान को तोड़ा। मकान तोड़ने से पहले परिवार ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने परिजनों को बलपूर्वक हटाकर सारा सामान बाहर निकाला। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर यशवंत कुमार दोहरे ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से हरिओम सोनी नामक विद्युत मंडल का कर्मचारी इस मकान पर कब्जा किए हुए बैठा था। इसके बाद आज राज्य शासन के आदेश के बाद इसे यहां से हटाया जा रहा है। ये 30 वर्षों से कब्जा था और हाउसिंग बोर्ड का ये प्लॉट है, तो शासन के आदेश आए थे कि इसको रिक्त कराया जाए और जो आदमी यहाँ पर कब्जा किए है उसे रिक्त कराने में जो खर्चा हो वो उसे वसूला भी जाए। सर कौन है ये और किस तरह की शिकायतें मिली थी? ये साहब, इसका नाम हरिओम सोनी है। ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कभी कर्मचारी हुआ था। 35 लाख का। तो ये हरिओम सोनी का मकान है और इसमें हरिओम सोनी इसमें अवैध रूप से रहते हैं। ये हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है और सक्षम न्यायालय ने इस निर्णय दिया था इस केस में कि इसको खाली कर दिया। उसके बाद ये शासन में अपील करने गए थे और शासन ने भी ये निर्णय दिया कि इसको खाली कराया जाए। उसकी आदेश के पालन में आज ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें आवेदक कौन होगा, किसके द्वारा ये आप क्या उससे मीडिया से है? ओके, तो ये देखिए क्या होता है, अगर किसी को कब्जा किसी का मालिकाना हक होता है तो उसके पास मालिकाना हक के कागज़ होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोग सब मीडिया में इतना समझते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी का मालिकाना हक होता है तो सरकार या कोर्ट कभी किसी को दखल करती है क्या? नहीं करती। बेदखल करती है? नहीं करती है। तो ये सब अवैध हैं और अवैध व्यक्ति के बारे में तो ये निश्चित है कि वो पूरे प्रयास करता है किसी तरह से रुका रहे, तो वही है, तभी तक के प्रयास करते रहे। अब शासन चूँकि सख्त हो गया, ये मध्य प्रदेश शासन से ही आदेश आए हैं, यानी हमारे स्थानीय स्तर का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। ये जब भी मैंने मीडिया को दिखाया था, आप लोगों ने देखा था, वो माननीय उप सचिव महोदय का आदेश है। रिक्त स्थान का क्या यूज़ रहेगा आने वाले? यहाँ हम अपना सहायक यंत्री का कार्यालय खोल रहे हैं और अभी आपके सामने 1 घंटे में हमारा ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कार्रवाई के दौरान इस मकान में रह रहे परिवार ने काफी हंगामा भी खड़ा किया, जिन्हें बलपूर्वक हटाया गया। इस दौरान 2 थानों का पुलिस बल व निगम का बड़ा अमला उपस्थित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।